हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज है। महान सर आपके मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो जब उसने मुझे अप्रोच किया था ये 1000 वोकेबलरी के लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो एचपीएस आई सेड यस कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे भी पढ़ाना है और ऐसे नहीं कि। तो लेट मी गिव यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज सूरज प्रधान, आई एम फ्रॉम बरमपुर, आई एम करेंटली वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ विस्तारा एयरलाइंस हियर इन भुवनेश्वर। ओके, आगे यू विल गेट टू नो मी विथ मोर वीडियोज। सो 1000 वोकेबलरी जो है ये द हिंदू के हैं कि वोकेबलरी मेक्स अस एबल टू स्पीक व्हाट इज इन आवर माइंड क्लियरली। वोकेबलरी हमको मदद करता है हमारे मन में जो है वो बोलने के लिए। और आपको तो पता ही है आजकल वोकेबुलरी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट वर्ड वुड बी इन्फंट। ओके, इन्फंट। ओके, और इन्फंट ओके इसका मतलब है एक। ओके, तो जन्म से लेके 4 साल तक एक इंसान के बच्चे को हम इन्फेंट बोलेंगे। ओके, 4 साल तक याद रखिएगा, इन्फेंट मतलब आपको तो पता ही चल चुका होगा अब तक। इन्फेंट का मतलब है इंसान का बच्चा जो या तो जन्म हुआ होगा, क्योंकि देखिए न्यूबॉर्न भी है या फिर यंग चाइल्ड भी है। सॉरी, मैं इस चीज़ में नया हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे इसमें फ्लुएंट होने में। ओके, यंग चाइल्ड या फिर न्यूबॉर्न। ओके, जन्म से लेके 4 साल तक इंसान के बच्चे को हम इन्फंट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड मोर्टेलिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू डेथ। सॉरी, द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, इसका एंटोनिम है इमोर्टेलिटी, मतलब जो कभी मर नहीं सकता। ओके, द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। ओके, ए फ्लावर, आप जो फूल पकड़ते हैं, ओके, इट इज़ पेरिसेबल। क्यों? क्योंकि उसका वैलिडिटी होता है 1 दिन से 2 दिन। ओके, हाँ, अगर आप फूल को पानी देते रहते हैं तो आप उसका मोर्टलिटी, जो उसका टाइम है, द सब्जेक्ट, द टाइम ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, ओके, वो आप कम कर रहे हैं। इंग्लिश में तो हमने पढ़ लिया, इसका हिंदी का मतलब है, आसान शब्दों में बोलूं तो हिंदी में इसका मीनिंग होगा नश्वरता। मुझे पता नहीं आप में से कितनों को समझ आएगा नश्वरता का मतलब क्या है, बट अगर हम आसान भाषा में बोले तो मरने की जो क्षमता होती है, ओके, उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। ओके, एक क्षमता है, ओके, एबिलिटी, देखिए यहाँ लिखा है पेरिशेबिलिटी। ओके, फूल मुरझाते हैं, वो एक तरह का क्षमता है। ओके, इसलिए पेरिशेबिलिटी, पेरिस प्लस एबिलिटी। ओके, हैपलेस, ओके, इसके मीनिंग है अनफॉर्चुनेट। सही में आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, आपका कोई बटुआ मार लेता है ऐसे, जैसे ये चोर इस लेडी का, लेडी के पर्स से पैसे चुरा रहा है। ओके, सोचिए आप चल रहे हैं रास्ते में, आपका बटुआ गिर गया। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हैपलेस।
ओके द हैपलेस विक्टिम्स ऑफ द डिजास्टर, जो केदारनाथ में फ्लड हुआ था, ओके, और जो भी उसमें मरे गए वो अनफॉर्चुनेट बोलेंगे हम लोग उनको, या फिर हम उनको हैपलेस भी बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड परसुएड, इंड्यूस समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट. किसी को कुछ करने पे या तो उकसाना या तो मजबूर करना या फिर मनाना. हम आसान भाषा में बोले तो मनाना, हम बोलेंगे आपने ये गलत किया है, ये काम आपको ये सही करना पड़ेगा. क्या गलत काम, क्या सही काम, आपने ये जो मैथ्स का आंसर निकाला है ये आपने गलत फॉर्मूला लगा के निकाला है. आप बोलेंगे नहीं, यही फॉर्मूला सही है, जो आप करना चाहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड परसुएजन. ओके, आप परसुएड कर रहे हैं सामने वाले बंदे को, वो भी आपको परसुएड कर रहा है कि नहीं मेरा तरीका जो है वो सही है. आप भी बोल रहे हैं नहीं मेरा तरीका जो है वो भी सही है. ओके, इसके सिनोनिम्स हैं टॉक समवन इनटू, कोक्स कन्विंस, मेक गेट इंड्यूस कोएर्स प्रॉम्प्ट. ये सब तो आप पढ़ के भी जान सकते हैं. ओके, टॉक समवन इनटू इसका मतलब है किसी को बातों में फंसा देना. जैसे आपको पता है कि क्रिकेट खेलते हैं, बोले आप अगर बॉल शर्मा जी के घर में मारेंगे, शर्मा जी लेट शर्मा जी भी देयर, ओके, एक्स भी बोल सकता था बट लेट शर्मा जी भी देयर. मैथ्स में नहीं घुसना, अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मज़ेदार होना चाहिए. ओके, तो शर्मा जी के घर में आप जानते हैं कि बॉल अगर घुस गया तो डांट पड़ेगी. आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप आराम से जाके ला सकते हैं उनसे, बहुत ही अच्छे आदमी है. इसको बोलते हैं टॉक समवन इनटू, आप उसको फंसा रहे हो. ओके ओके, यूजेस में देखिए, इट वॉजेंट इजी बट आई परसुएडेड हिम टू डू द राइट थिंग. परसुएडेड ये इसका पास्ट फॉर्म है वर्ब का, क्योंकि परसुएड वर्ब है. ओके, ये आसान नहीं था पर मैंने कैसे भी करके उसको सही चीज करने के लिए मना लिया. ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्ड डिजर्टर्स, मीनिंग ए मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स हु डिजर्ट्स. डिजर्ट का मतलब हमने सुना था रेगिस्तान. ओके, रेगिस्तान दूर दूर तक नहीं दिखता. जब कोई आर्मी का जवान, ओके, मैदान जंग का मैदान छोड़ के भागता है, हम उसको डिजर्टर बोलते हैं. ओके, देखिए रिट्रीट एक शब्द है, डिजर्ट एक दूसरा शब्द है. ओके, डिजर्ट करना मतलब अपना जो काम है आर्मी का, वो जो जवान था, ओके, या फिर आर्म फोर्सेस, एनी आर्म फोर्सेस, जो जवान था वो उसको जो ड्यूटी दी गई थी वो ना निभा के भाग गया वहां से. ओके, यूजेस में देखिए डिजर्टर्स फ्रॉम द आर्मी. ओके, जो आर्मी से भाग गया हो. ओके, ये सिर्फ एक यूसेज है. ओके, हम कहीं भी, हम नॉर्मल लाइफ में कैसे डिजर्टर यूज कर सकते हैं, सोचिए आप लोग कहीं पिकनिक का प्लान बना रहे हैं, आपका दोस्त एंड मौके पे मना कर देता है. ओके, तो तभी आप यूज कर सकते हैं ओके दैट यू आर ए डिजर्टर. ओके, कैसे, वो तो आर्मी के जवान भी नहीं है, आर्म फोर्सेस में नहीं है वो, उसको डिजर्टर कैसे बोल सकते हैं. देखिए जो आपका प्लान था वो भले ही राजी था फिर भी उसने एन मौके पर
वो एन मौके पर छोड़ के चला गया। ओके तो इसीलिए उसने डिजर्ट किया, ओके छोड़ के भाग जाना। ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। टेन्योर एक नाउन है। ओके द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस मीनिंग है। टेन्योर का मतलब है अभी मैं जैसे विस्तारा एयरलाइंस में काम कर रहा हूँ, मेरा टेन्योर है अभी तक 3 ईयर्स, ओके सॉरी 3.5 ईयर्स। ओके 3.5 साल से मैं विस्तारा एयरलाइंस के लिए काम कर रहा हूँ। ओके अभी जैसे आप जियो का प्लान खरीदते हैं, ओके 599 का प्लान, 84 डेज के लिए आपको सम 1.5 GB मिलता है, बट जो टेन्योर हम किसको बोलेंगे, वो जो 84 दिन है ना उसकी जो अवधि होती है 84 दिन, दैट इज द टेन्योर ऑफ द प्लान। ओके सिनोनिम्स है इनकम्बेंसी, टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म, पीरियड ऑफ ऑफिस, टाइम। ओके आप जो रोज ऑफिस जाते हैं, सॉरी मैं जो रोज ऑफिस जाता हूँ 8 घंटे के लिए काम करता हूँ, माय डेली टेन्योर इज 8 आवर्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी ओके इसका मीनिंग है एक्सेसिवली कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। ये छोड़िए आप फोटो की तरफ ध्यान दीजिए, यह है ब्यूरोक्रेसी। सबके ऊपर रहना, ओके लिखा है ना यूसेज में द अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी इन लोकल गवर्नमेंट, एक छत्रवादी शासन, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ओके मतलब ब्यूरोक्रेसी का मतलब है हिंदी में बोले तो नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब है जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट मतलब क्या, ब्यूरोक्रेट इज ए पर्सन। अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आप बेटर समझ पाएंगे। एन आईएएस ऑफिसर इज ए ब्यूरोक्रेट, क्यों, क्योंकि उसके अंडर जितने भी काम करते हैं दे आर लाइक ए सर्वेंट। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है, अभी देखिए हम इसका मतलब जानने की जगह डायरेक्टली यूसेज में चलते हैं, यूसेज में आप बेटर जान पाएंगे। ओके यूसेज में आप बेटर जान पाएंगे। ये देखिए मैंने सर्कल बना रखा है, ओके द अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी इन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में ये जो बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है कि यही कर सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं, यही आदमी ये काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एंटेंगल ओके देखिए मीनिंग कॉज टू बिकम ट्विस्टेड टुगेदर विथ और कॉटन। देखिए मछली फंसी है जाल, द फिश इज एंटेंगल्ड इन द नेट। ओके देखिए यूसेज में देखिए फिश अटेम्प्ट टू स्विम थ्रू द मेस एंड बिकम एंटेंगल्ड। ओके उसने जाल के आर पार जाने की कोशिश की और जाल में लच गया, फंस गया। ओके एंटेंगल्ड मतलब फंसना, ओके जाल में फंसना, ओके जाल में फंसाना भी हो सकता है, आई एंटेंगल्ड ए फिश, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। लेजिटिमेट एडजेक्टिव है, मीनिंग है एबल टू बी डिफेंडेड विथ लॉजिक और जस्टिफिकेशन, वैलिड। अभी आपने एक पेन खरीदा, सोचिए पार्कर का पेन, ओके 400-450 समथिंग, आपने ऐसा कुछ खरीदा, यू आर द लेजिटिमेट ओनर ऑफ दैट पेन। ओके आपका दोस्त अगर आपसे वो पेन चुरा लेता है, दोस्त हो फिर या फिर कोई क्लासमेट हो,
आपसे अगर मैंने चुरा लेता है, जब आप आर्गुमेंट कर रहे होंगे ना, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम द लेजिटिमेट ओनर ऑफ द पेन। ओके, उसके पीछे जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन किस ग्राउंड पे? लॉफुल, यू आर द लॉफुल ओनर ऑफ दैट पेन। ओके, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट। लॉ या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी आपको बैकिंग दे रहे हैं। अभी नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एकिलॉन्स। इसका मीनिंग है ए लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ए प्रोफेशन और सोसाइटी। मैंने ये पिक्चर यहाँ इसीलिए लगाया है ताकि आपको समझा पाऊँ। ओके, देखिए ये जो बर्ड का फ्लॉक है ना, फ्लॉक बोलते हैं इसको, जो इतने सारे बर्ड्स जा रहे हैं एक साथ, ये है अल्फा। अल्फा मतलब हेड। ओके, इसका रैंक है सबसे ऊपर क्योंकि ये नेविगेटर है। ये जहां जाएगा इसके पीछे पीछे ये सारे बर्ड्स, ओके, इसको फॉलो करेंगे। एक्लॉन, इस ऑर्डर को हम एक्लॉन कहते हैं। ओके, जैसे एक कंपनी में है सीईओ। ओके, सीईओ, उसके अंडर है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, उसके अंडर और जाते हैं, ये जो क्रमांक है इसको हम एक्लोन बोलेंगे। ओके, इस लेवल को जो सीईओ के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के नीचे जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के नीचे मैनेजर, ये सब जो है इसको हम एक्लॉन बोलेंगे। टायर, जैसे आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर करते हैं, टायर 1, टायर 2। ओके, एक्लॉन, एक लेवल दे दे के आप गुजरते हैं, इसीलिए उसको एक्लॉन कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में मैं जितना आपको समझाना चाहता था उतना समझा पाया हूँ। ओके, मैं ये वीडियो रोज तो अपलोड करता रहूँगा। ओके, और मैं यही बोलूँगा कि जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप देखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।